कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहला चरण 13 नवंबर, दूसरा चरण 20 नवंबर। 23 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी झारखंड में सरकार चलाएगी। आगामी विधानसभा के संदर्भ में आज बात करने के लिए हमारे पास सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड मिल्ली फोरम, जिनका काम लोगों के बीच सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना है, उनके झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष गौहर रजा हमारे बीच मौजूद है। गौहर भाई, क्या चल रहा है झारखंड में इस वक्त, चुनावी माहौल है? सबसे पहले कि झारखंड में अभी कंप्लीट जो है चुनावी माहौल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इस माहौल में, इस पर्व में हमको ये देखना है कि झारखंड जितना खूबसूरत है वो जो है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था कम्युनल फ्री स्टेट, तो क्या हम अभी तक उस कम्युनल फ्री स्टेट में हम अभी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या हमें और स्ट्रगल करना है। तो हम अभी तक देखते हैं कि झारखंड में अभी भी जो है हिंदुत्व जो फोर्स है वो बहुत हावी है। इलेक्शन है इस बात को तय करेगा कि जो बीजेपी की जो सरकार है, यानी जो बीजेपी गठबंधन की सरकार है, हम इसको कितना दूर रख पाएंगे। और लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें हम लोग ने तो कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जो है बीजेपी के जो कुछ इम्पोर्टेड लोग आकर यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नाकाम करें। हम हिंदुत्व फोर्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल झारखंड में एक सेकुलर गवर्नमेंट रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व फोर्स हावी है झारखंड में? देखिए, एक हुकूमत में तो बेशक आप जो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो है सरकार रही है, लेकिन आपने भी देखा है कि किस तरह से इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। यहाँ के MLA को डिस्टर्ब करना, यहाँ के जो है, इवन आपको मालूम भी है ये बात कि हेमंत सोरेन तक को जो है किस तरह के चार्जेस में उनको ये करके उनको तंग करने की कोशिश किया गया। तंग करने की कोशिश जो सामने से आती है, अगर चोर है, अगर आपने चोरी की है तो पकड़ आपकी होगी। हाँ, तो इसके मतलब ये है कि साबित हो गया है कि वो चोर नहीं है, तभी जेल के बाहर है। ED आज भी ED के रेंज में है, क्लियर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर जो वो तो अदालत का फैसला है, अगर उस पर जब प्रूफ हो जाएगा कि वो चोर हैं या जो भी उनका कल्प्रिट है, तो वो बिहाइंड द बार रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको भी मालूम है कि जो BJP के जो है जो रडार में नहीं आते हैं, तो वो उनको जो है बिहाइंड द बार किया जाता है। जो इनके रडार के बाहर चले जाते हैं, मतलब उनके जो पहुँच में नहीं रहते हैं, वो बिहाइंड द बार लाने की कोशिश किया जाता है उनको। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि BJP के जो सपोर्ट करने वाले या जो उनको जो उनका पसंदीदा जो लोग हैं उनको तंग नहीं करती है, लेकिन जो उनके सपोर्ट में अगर आ जाते हैं या जो उनके जो सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं, तो BJP उनको मतलब जो है जेल के खलाकों के पीछे नहीं डालने की कोशिश। चलिए आते हैं UMF पे, यूनाइटेड मिल्ली फोरम खासकर लोगों को अवेयर करती है सोशल और पॉलिटिकली। विधानसभा चुनाव में UMF क्या करने वाली है? यूनाइटेड मिल्ली फोरम बेसिकली एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पब्लिक में जो है अवेयरनेस का काम करती है, पब्लिक को टैक्टिकल वोटिंग करने की जो है सलाह देती है, और भी इलेक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो पर्टिकुलरली हम इस विधानसभा अपने जो क्षेत्र के जो मेरे जो कुल्हान क्षेत्र में है उस पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट जो इलेक्शन है इसमें हम लोगों ने यहाँ के कुल्हान की मैक्सिमम सीट में हम लोगों ने BJP को दूर रखने की कोशिश की है। इस बार भी उसी तरह की हम लोग कोशिश करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोगों को पॉलिटिकली और सोशली अवेयर करना चाहते हैं, टैक्टिकली चुनाव करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप BJP के अगेंस्ट। हाँ, BJP और संघ के, तो मतलब ये साफ है कि UMF BJP के अगेंस्ट। हाँ, BJP और संघ की जो विचारधारा है हम उसके अपोजिशन में है, उसके अगेंस्ट में कम्प्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है उससे हमारा जो है ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो जो झारखंड या जो हिंदुस्तान जिस तरह के हम खूबसूरत हिंदुस्तान देखना चाहते हैं उसमें उनका जो है उनका जो विचारधारा है उसमें हमारा जो फ्रेम हमारा जो फ्रेम उसमें एग्जिस्ट नहीं करते वो। झारखंड में जो इस चुनाव होने वाला है इसको लेकर BJP जो माहौल बना रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रही है, 24 तारीख को नामांकन हुआ था इसी जमशेदपुर में भाजपा के कैंडिडेट के, उसमें जो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा, उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और खासकर पश्चिम विधानसभा का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, भाजपा अगर जीत कर आती है तो देश के कोने कोने में जो बाबर छुप के बैठे हैं उन्हें लात मार के भगाएगी। इस पे क्या है? ये तो सबसे बड़ी बात है कि बेसलेस एलिगेशन है ये मामला, और डेमोग्राफिक चेंज होने की बात कर रहे हैं पश्चिम विधानसभा में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेसलेस एलिगेशन है। इस पर सिविल सोसाइटी के कल ही जिस दिन उनका बयान आया उसी दिन सिविल सोसाइटी के लोग उनका विरोध भी किया गया है कि उनका जो बयान है वो एकदम हेट का बयान है,
उसको कंप्लीट तौर पर से निंदा करना चाहिए, क्योंकि उसका उस पर उसका जो उनका जो एलिगेशन है, उनका जो बयान है, एकदम बेसलेस बयान है, उसमें कोई सत्य की बात नहीं। अगर यूनाइटेड मिल्ली फोरम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहती और आप लोग चुनाव लड़ते, तो क्या मुद्दा होता झारखंड में चुनाव का? देखिए, हमारा होने वाली जो बात है वो तो डिफरेंट बात है। आपके नज़र में क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जो भाजपा एक तरफ अगर घुसपैठी की बात कर रही है, आपस में लड़वाने की बात कर रही है, चुनावी वोट पोलराइजेशन की बात करना चाह रही है, अगर यूनाइटेड मिल्ली फोरम चुनाव लड़ती या यूनाइटेड मिल्ली फोरम के नज़र में क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? आपने कंपैरिजन किया, उसके कंपैरिजन में मैं ये कहता कि एक अगर हमारा जो पूरा कंप्लीट जो कैंपेन होता है वो भाईचारा के बिना पर होता, मतलब ब्रदरहुड की बिना पर हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम जोड़ने की राजनीति पर बिलीव करते हैं, तोड़ने की राजनीति पर बिलीव नहीं करते। मतलब आप राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं वाकिफ है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं? राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनका अपना काम करने का तरीका है, और हम कांग्रेस की विचारधारा जो है, कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम नहीं बात करना चाह रहे अभी। हमारा अपना अभी हमसे बात करें यूनाइटेड मिल्ली फोरम, तो मैं इसकी नीतियों का स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह की राजनीति समझ पैदा करना चाहते हैं लोगों में। क्या लगता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस या राजद है, ये भाईचारा को मुद्दा बना रही है? नहीं, इनका भी इनका जो है भाईचारा का जो मुद्दा है, इसमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र नहीं आता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, जब स्टार्टिंग में हम बात किए कि हाँ, बीजेपी का जो विचारधारा है वो जो है वो बिल्कुल भी गलत विचारधारा है, उसके काउंटर नैरेटिव में अगर कोई लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, जो कि हर जगह अलग अलग विधानसभा के लेवल पर भी आप देख सकते हैं, तो जो मजबूत हमें कैंडिडेट नज़र आ रहा है, जो भी मजबूत बीजेपी के मुकाबले में नज़र आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जीते और कम्युनल फ्री स्टेट जो है झारखंड कम्युनल फ्री स्टेट बने। चलिए, आप एक तरफ भाजपा को लथाड़ते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि पिछले बार 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो मेन मुद्दा जो बनाया गया था, एक 1932 खतियान की बात हो रही थी, दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग कानून की बात हो रही थी, उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात हो रही थी। 1932 खतियान पे पिछला 2-3 साल में हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन मॉब लिंचिंग कानून पे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे कि जब भाईचारा की आप बात कर रहे हैं सेक्युलर एज अ सेक्युलर पार्टी, तो भाईचारा आपको वोट ज़रूर मिला, लेकिन आप आदिवासियों को एक करने के लिए 1932 में ज़रूर आपने बात की, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो मुसलमान खासकर अल्पसंख्यक समुदाय का मुसलमान, उस पर उर्दू शिक्षकों की बहाली पे बात नहीं हुई, मॉब लिंचिंग पे बात नहीं हुई। ये इंडिया गठबंधन के जो है ये सबसे बड़ी नाकामी है, इस पर बहुत गहन विचार करना चाहिए इंडिया गठबंधन को कि उर्दू शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हुई। और बिल्कुल होना चाहिए कि आप एक तबका का वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन आप उनका जो बेसिक इशू है उसको नज़रअंदाज करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो ये बीजेपी इंडिया गठबंधन में जो हुकूमत में है हेमंत सोरेन, उनको ये विचार करना चाहिए कि जो इश्यूज है एक माइनॉरिटीज़ का, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का कानून तो बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय थोड़ी जो है। और मतलब ये कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे उर्दू शिक्षक की बहाली और ये आपको मॉब लिंचिंग का कानून, तो ये बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हम अभी कल भी डिमांड करते थे, आज भी करते हैं, और इस पर आगे भी हम लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून है उस पर लागू हो, सख्ती से लागू हो। झारखंड में पूरे 81 विधानसभा में अगर हॉट सीट की आप बात करें, तो उनमें से एक है पश्चिम विधानसभा। इस वक्त हम लोग पश्चिम विधानसभा में क्या समीकरण चल रहा है पश्चिम विधानसभा के? इस वक्त समीकरण तो पश्चिमी विधानसभा है, और पूर्वी भी बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो मैदान में सरयू राय जी ने परास्त किया था, अभी वो गवर्नर हैं और उनकी बहू अभी कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो ये बहुत हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि कहा भी जा रहा है पॉलिटिकल जो ग्राउंड में कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है, मतलब जो क्या नाम है उनका, पूर्णिमा दास वो मैदान में नहीं है, गवर्नर मैदान में है, और वहाँ पर अजय कुमार मैदान में है। तो ये बहुत दिलचस्प देखना होगा आगे हम लोगों को कि क्या आखिर किस तरह से फाइट होगा। कहीं ना कहीं भाजपा पूर्वी विधानसभा में टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम सामने आ रहे थे कि उनको भाजपा सीट दे सकती है, लेकिन आखिर में परिवारवाद कहीं ना कहीं दिखा, और रघुवर दास की बहू को कैंडिडेट बनाया गया, जिससे
भाजपा में कहीं ना कहीं टूट नजर आ रही। शिव शंकर सिंह एक नाम था जो भाजपा प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा इससे? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो तकरीबन 5 साल कंटिन्यूस मैदान में हैं, थे और अभी भी हैं, तो एक उनका आशा रहता है कि इस दफ़ा जो है कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, और अचानक से जो पैराशूट से अगर किसी घर के बंदे को, उनके घर के बंदे को अगर आप MLA के टिकट दे देते हैं, तो जरूर कन्फर्म तौर पर और ज़रूरी तौर पर उनका मनोबल डाउन तो होगा। इसी वजह से अगर हम लोग भ्रमण करते हैं पूर्वी विधानसभा का, इसमें देखने को भी मिलता है कि बीजेपी का जो समझ, एक तरह से समझ सकते हैं कि जिस पर कॉन्टेस्ट में बीजेपी मतलब मैदान में जो नज़र नहीं आ रही पूर्वी में, अजय कुमार का जो है वो मतलब जो है मैदान एक तरह से खुला नज़र आ रहा है। तो आप इशारा हम समझ रहे, आप समझ ही रहे होंगे कि किधर क्या। चलिए, पूर्वी में आप कह रहे हैं कि भाजपा नज़र नहीं आ रही है मैदान पर नज़र नहीं। पश्चिम में क्या समीकरण है, क्योंकि यहाँ से जदयू, NDA गठबंधन ने जदयू के प्रत्याशी सरयू राय को टिकट दिया गया है, और सरयू राय बार बार कह रहे हैं कि सिलेंडर ही कमल है या कमल ही सिलेंडर है। देखिए, सरयू राय यहाँ पर नो डाउट जो है, यहाँ पर जो है चीफ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बन्ना गुप्ता, वो इस मैदान में है, लेकिन उनका जो मुकाबला है इस बार जो, अगर एक लोगों से नहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दो तीन लोग जो हैं, जो सर फहरिस्त नाम आ रहा है उनका, एक सरयू राय हैं और एक MIM के जो है बाबर खान हैं और एक हैं आज़ाद समाज पार्टी के काशिफ रजा सिद्दीकी हैं मैदान में। ये चार प्रमुख चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है फाइट सिर्फ सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच में। सरयू राय की मैं अपनी जाति राय ये बताना चाह रहा हूँ कि सरयू राय इसलिए फाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के पश्चिमी की जनता ने एक उनका जो मिजाज जो देखा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो इस साइड कभी उस साइड, इस तरह की उनका जो राजनीति मतलब है, तो वो उसके वजह से पब्लिक में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि सरयू राय जो है कॉन्टेस्ट में इस बार नहीं है, क्योंकि उनका जो छवि है वो धूमिल हो चुका है। आपको कॉन्टेस्ट में नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर MIM चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं क्या लगता है जदयू को फायदा होने वाला है, मतलब NDA गठबंधन को फायदा होने वाला है इससे? नहीं, ऐसा तो मैं इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अपना अपना जो है सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। इंडिपेंडेंट भी तकरीबन जो है मेरे जानकारी के हिसाब से 18 से 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो लोकतंत्र में तो सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। और अगर जो है अपोजिशन मजबूत नहीं होगी, तो अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होगी तो जो पोजिशन में जो लोग हैं, MLA हैं या MP हैं, वो अक्सर जो है वो एक तरह से जो है मजबूत नहीं रहेगी, तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग MLA है मनमानी अपने समझ लीजिए करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम इसको हेल्दी फाइट मानेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें हेल्दी फाइट हम मानेंगे। त्रिकोणीय देख रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं कह सकते कि बन्ना गुप्ता बहुत विन टू विन सिचुएशन में है, फाइट होगा। तो और इस बार एक और नई पार्टी सामने दिख रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जीत कर संसद गए, अब उन्होंने ठान लिया कि वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस सीट से बना दिया है। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? हाँ, उनका जो है फील्ड में जो है इनके कार्यकर्ता तो बहुत अच्छा खासा नज़र आ रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो प्रत्याशी बनाए गए काशिफ रजा सिद्दीकी, वो भी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो सीट है ये विन टू विन सिचुएशन वाली सीट नहीं, यानी बन्ना गुप्ता जो है मंत्री रह चुके हैं, इनको आगे अगर सीट में मतलब इस क्षेत्र में अगर और मेहनत करेंगे और अगर ज़्यादा काम करेंगे तो जो अगला, अगर इस बार जीतते हैं या तो अगले बार में मतलब उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने इस क्षेत्र के लिए ये काम किया है, और बढ़ चढ़ कर जो वादे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद की बात आपने की, उनकी पार्टी के बात की, MIM की आपने बात की, कहीं ना कहीं जो ग्राउंड प्रैक्टिकल बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम बेल्ट पे ही काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोट को अपने तरफ टालना कहीं ना कहीं NDA गठबंधन के लिए नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं NDA को इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो इस पर पूरी तरीके से सहमत इस बात से नहीं हूँ, क्योंकि पहले बात है कि ये जो पार्टी जो फील्ड में नज़र आ रही है ये सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में काम नहीं कर रही है, क्योंकि इनका दलित वोट पर भी पैना नज़र है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, एक मैं आपकी पहली बात से ये करना चाह रहा हूँ कि हाँ, बन्ना गुप्ता जी का काम तो यहाँ पर रोड, रास्ता, स्ट्रीट लाइट वगैरह नज़र आ रहा है मुझे। 5 सालों में कितना विकास हुआ है? हाँ, बेसिक एम्यूनिटीज़ में तो हम एक बात बोलेंगे कि इसमें कुछ मूल चूल परिवर्तन हमें नज़र आया,
लेकिन मैं एक एडिशनल बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह करना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस नाली सड़क रोड पर ही नहीं करेंगे, हमारा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है उस पर आपकी क्या राय है वो स्पष्ट होते कभी नज़र नहीं आती है। तो हम आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से क्या सिक्योरिटी से मुराद मतलब कि जो पॉलिसीज लेवल की बात होती है, जैसे कि से अभी अभी बहुत अभी हाल के दिनों में वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बिल है उस पर आपकी राय नज़र नहीं आई। तो एक एज ए हम यहाँ सिविल सोसाइटी हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं ना, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो है जो इश्यूज़ है बेसिक जो फंडामेंटल इश्यूज़ है मुस्लिमों की माइनॉरिटीज़ की, तो उस पर आपकी राय आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वक्फ अमेंडमेंट बिल वाले मामले में या फिर आपका CANRC वाले मामले में आपका स्टेटमेंट तो नहीं आया। तो हम अपने प्रतिनिधि से हमेशा उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इश्यूज में आपकी राय आनी चाहिए कि आप किस तरफ हैं। इसलिए आखिर में बींग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UMF यूनाइटेड मिली फोरम, लोगों को पूरे झारखंड वासियों को क्या कहेंगे, किन बातों को माइंड में रखना चाहिए वोट देने से पहले? मैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने झारखंड के वासियों से जो है ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि इस बार जो वोट करें वो जो सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज़ है वो हमारा जो है झारखंड में बंधुत्व का जो माहौल है उसको बरकरार रखें। कम्युनल फ्री स्टेट बनाने के लिए जो कदम होगा उस पर हमारा जो वोटिंग जो पैटर्न होना चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए कि झारखंड में टूट की राजनीति नहीं हो, जोड़ की राजनीति हो, झारखंड में भाईचारे का माहौल जो है बढ़े और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे आदिवासी सब सारे मिलजुल कर हमें झारखंड को जितना उन्नति पर जिस मकसद के लिए बनाया गया था झारखंड उसमें हमें और ईंट जोड़ना है। तो इस पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोटिंग पैटर्न में हम आगे सहयोग करें, EVM में हम वोटिंग उसी पार्टी को करें, उसी कैंडिडेट को करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट हो, जो कम्युनल सोच रखने वाले हैं उसको दूर रखने के लिए हम उस कैंडिडेट को फोकस करके हम वोटिंग करें, ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे यूनाइटेड मिली फोरम के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष गौहर रजा, जिन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कैंडिडेट को चुने जो झारखंड में मोहब्बत की बात करें, झारखंड को एक कम्युनल फ्री स्टेट बनाए, ऐसे कैंडिडेट के सिंबल के सामने अपना फिंगर प्रेस करें जो सेक्युलर हो, जो मोहब्बत की बात करते हैं और नफरत से दूर रहते हैं। तो इसी तरह की रिपोर्ट के लिए, इसी तरह चुनावी मुद्दे पे बात करने के लिए आज़ाद रिपोर्टर के साथ बने रहे हैं। हम आइंदा फिर किसी और शख्स के साथ चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।